चले ताली बजाइए। हमारे साथ 28 अगस्त बैच के स्टूडेंट है, जैसा टाइम देख सकते हैं अभी 8 बज रही है ना। टाइम हुआ है हमारा 8 PM है ना। आज हमारी काय की क्लास थी? ग्राफिक ग्राफिक्स आई सी की। किसके साथ थी आपकी? ग्राफिक्स पूरा समझाना आपने। कोई भी ग्राफिक्स आएगा तो आप बना पाएंगे? वोल्टेज वाली लाइन कितनी है आपकी? 1, 2, 3 वोल्टेज चेक करने का, बाकी सारे जीआर चेक करने का। क्या करने का वो नहीं बताने का है ना। बताइए आपने कैसा बनाया सर्किट, बताइए आप, बताइए आपका नाम, बताइए मोहन आपका नाम, बताइए नरेंद्र सिंह आपका नाम, बताइए मेरा राजीव सिंह आप, बताइए क्या नाम है आपका? संजीत कुमार सर। संजीत आपका बताइए आपका नाम, बताइए कौन आपका? जितेंद्र सर। आप काफी ऊपर कीजिए, काफी ऊपर कर दिया, अपना नाम बताते जाइए। अशरफ अली। काफी ऊपर कीजिए, नजीम आप बताइए, आप बताओ अपना नाम। आप उधर पीछे आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए गणेश कुमार, आप बताइए अभिषेक, आप बताइए संतोष कुमार, आप बताइए। समझ में आया ना? यस सर। उसको कहा गया किससे ट्रेस किया आपने? सब अलग अलग ट्रेस किया, किसी ने PMI का ट्रेस किया, किसी ने 15 वोल्ट का ट्रेस किया है, है ना। जैसे कि आपने बोर्डियो से भी ट्रेस किया है, आपने PCB से भी ट्रेस किया है, आपने कहाँ से ट्रेस किया है? हम के PMI IC से सर। आपने 15 पिन ग्राफिक्स IC। आपने ग्राफिक्स IC सर। आपने ग्राफिक्स IC। कौन सी IC आपकी? ग्राफिक्स। कौन सा सेट की है? Note 6 Pro। आपके 15 पिन IC। आपके 15 वाले IC। आपके 15 पिन IC। आपके कौन सी IC है? MTK सेट है आपका, ठीक है। आपने कौन सा मॉडल था आपका? 4X। आपका कौन सा मॉडल था? आपका मॉडल का नाम बताइए। 5A। आपने कैसे किया? बाकी आपने कैसे किया सर? इधर पीछे बताइए आपने कैसे किया? आपका सेट का नाम क्या था? PCB का नाम क्या था? सर मेरा 4X था सर, हम वहाँ से आके प्रैक्टिकल करके इसको बना भी दिए हैं सर। चालू किया? जी सर। आपने खुद अपने हाथ से किया ना? जी, ग्राफिक नहीं आ रहा था इसमें, लाइट भी नहीं आ रहा था। प्रॉब्लम काहे की निकली? ये ग्राफिक में आया था सर। दिक्कत क्या निकली, आपने कैसे बनाया? +5 सर नहीं पहुंच रहा था। +5 नहीं पहुंच रहा था सर। आपने +5 कहाँ नहीं मिल रहा था आपको? ये लाइट सेक्शन में नहीं पहुंच रहा था। डिस्प्ले कनेक्टर? जी, कैपेसिटर पे। आपने ट्रेस किया आपको वहां पर क्या नहीं मिल रहा था, कहाँ नहीं मिल रहा था आपको? कैपेसिटर पे नहीं मिल रहा था +5। अच्छा, तो वहाँ से हम +5 बनाया, आपका काम हो गया। जी जी सर। सलमान आपने कौन सा सेट पे बनाया? 5A सर। 5A सर। बताओ इधर दिख नहीं रहा, बाकी सब आप बना तो पाएंगे ना आप, है ना? ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। तो आप देख रहे हैं एस्टेट टेलीकॉम का ये जो डे है ये है 7, और आज हम इनको बता रहे हैं ग्राफिक्स सप्लाई, जो आप जैसे कि देख रहे हो स्टूडेंट खुद प्रैक्टिकली बहुत सारे स्टूडेंट के सामने बैठ के ग्राफिक्स IC पे काम कर रहा है। दोस्तों ये जो बोर्ड है ये भी इसी का बोर्ड है, और स्टूडेंट से हम उन्हीं के बोर्डों पे काम करवाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनको बिना कुछ बताए काम कराएंगे। पहले सारे थ्योरी सेक्शंस होते हैं, उसके बाद में प्रैक्टिकल सेक्शंस होते हैं, और पूरे देश में अगर इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो थ्योरी और प्रैक्टिकल का टाइमिंग है वो इससे टेलीकॉम का है, क्योंकि हमारे यहाँ हार्ड वर्क को ही असली मेहनत माना जाता है। हमारे यहाँ टीचर्स के लिए कभी कोई कुर्सी नहीं होती, ना हम लोग बिलीव करते हैं कि हम बैठ कर पढ़ाने में, ना ही हम कभी बिलीव करते हैं कि 1 घंटा पर 2 घंटा, हम पूरा दिन अपना 12 घंटा अपने स्टूडेंट को देते हैं। इसलिए हमारी जो क्लासेस होती हैं वो 8 बजे से 8 बजे तक होती हैं, और जो प्रैक्टिकल थ्योरी का टाइम होता है वो भी हमारा सबसे ज़्यादा होता है। और हमारा एडवांस लैब है, पूरे इंडिया में सबसे बड़ी लैब है, हर स्टूडेंट को हर एक टेक्निकली चीज़ दी जाती है, उसको कुछ भी शेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों रही बात डायग्राम की, तो डायग्राम उसको बहुत
डीपली लेवल पे सिखाया जाता है हर स्टूडेंट को, डिस्प्ले करेक्टर के हर तरह के वोल्टेज। ये भी नहीं कि सिर्फ नए फ़ोनों के बता रही है, पुराने फ़ोनों के भी वोल्टेज, क्योंकि अभी के डेट में कोई भी फ़ोन बनने को आ सकता है, पुराना इंटेक्स या नया आपके सैमसंग डिवाइस या जो भी ओप्पो वीवो सेट आ रहे हैं, तो उसके हर एक की वोल्टेज की वोल्टेज की जानकारी, उसके सीपीयू से आने वाली सप्लाई, उसके ग्राफिक्स से आने वाली सप्लाई, उसके एक्टिव वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज, और कौन से वोल्टेज चार्जर लगाने पर आने चाहिए, कौन से वोल्टेज ऑन करने पर आने चाहिए, कौन से वोल्टेज एक्टिव करने पर आने चाहिए, उसके बाद अगर अगर वोल्टेज आ रहे हैं, सप्लाई आ रही है, जीआर आ रहा है, तो किस तरह से फ्रिक्वेंसी चेक करें, सीपीयू सही है या नहीं सही है वो कैसे चेक करें, तो वो सारी चीज़ें आपको क्लास में आके सीखने को मिलती है। स्टूडेंट यहाँ पे खुद डिस्प्ले आईसी पे काम कर रहा है, आप देखिए कि हैंड स्किल, ये सारे फ्रेशर स्टूडेंट हैं, इन्होंने जीवन में आज तक कभी एसएमडी का काम नहीं किया, जो खासकर ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और इन्होंने कभी काम नहीं किया। और अगर आप देखेंगे कि हमारे लाइव क्लासेस को देखिए, हमारा लाइव क्लासेस को इन्जॉय कीजिए, इंडिया में पहले हम हैं जो लाइव क्लासेस आए हैं, और हमको देख के कॉपी करने वाले जो इंस्टीट्यूट है जो लाइव क्लास आ रहे हैं, तो मैं उनको तो ये भी बता देता हूँ कि कंपेयरिंग कीजिए कि हमारे यहाँ लाइव क्लासेस ऐसा नहीं है कि कभी आ गए कभी नहीं आ गए, या 5 मिनट के लिए दिखा दिए, 10 मिनट के लिए दिखा दिया, या फिर सीधे आके स्टूडेंट का आउटपुट दिखा दिया। हमारे यहाँ लाइव क्लासेस में एक ट्रूली स्टूडेंट का आउटपुट फेड वाइज बताया जाता है। देखिए जैसे इस बंदे ने अभी आपके सामने ही लाइट आईसी और पूरा डिस्प्ले कॉयल सब लगाया था, ये हमारी लैब है, तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, और हर स्टूडेंट को स्पेसेस यहाँ पर स्पेस दे के बैठा जाता है। कोविड-19 के चलते ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चुपका कर लैब बनाई है हमने, और हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप रहता है। दोस्तों आज की डेट में तो हर एक के पास एक लैपटॉप होता ही है, तो ये भूलने वाली बात नहीं है कि कोई लाए या ना लाए। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारे स्टूडेंट नोट्स बने के हिसाब से ही काम करते हैं, और उसके ऊपर भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, और बहुत टेक्निकली जो हमारे टीचर्स हैं एक्सपीरियंस हैं, ऐसे नहीं है कि 6 महीने पहले किसी इंस्टीट्यूट में बैठ कर सीखा और अब जाके टीचिंग कर रहे हैं पढ़ाने का तरीका जानकर। दोस्तों ये एक टीचिंग नहीं होती है, टीचिंग होती है जो आपको सालों साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट आप पढ़ाएं। और रही बात बोर्नियो की, बोर्नियो एक हेल्प होता है, एडवांटेज होता है, मैं आपको बता दूं 90% लोग बोर्नियो को यूज़ करना भी नहीं जानते हैं, सिर्फ ये देख के कि लाइनिंग किधर जा रही है। रियल डेफिनेशन बोर्नियो की कुछ और होती है, और बोर्नियो हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें डायग्राम्स मिल जाते हैं। हमारा यहाँ पे मेन कंसेप्ट है डायग्राम से साथ पढ़ाना, बोर्नियो का हमारा मेन कंसेप्ट नहीं है। मैं तो क्लास में पूरा ठोक बजा के कहता हूँ कि मैं आप लोगों को उतने लेवल तक खड़ा कर सकता हूँ कि आप अपना खुद का बोर्नियो डिज़ाइन कर सकते हैं। और दोस्तों हम चाहें तो इसे टेलीकॉम अपना खुद का बोर्नियो डिज़ाइन कर सकते हैं, बट हमारी टीम डेडिकेट टीम है, और उन सबके पास में उनके काम है, और यही काम की वजह से हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम अभी इंडियन बोर्नियो वर्जन बहुत पहले ही बना चुके होते। क्योंकि ट्रेसिंग हमारे जो तरीका होता है, जो हमारी ट्रिक्स होती है, वो सबसे बेस्ट होती है। पढ़ाते सभी हैं, पर हमारे यहाँ क्योंकि हमारे को टीचिंग लेवल में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, हम तब से पढ़ा रहे हैं जब इंडिया में ऑलमोस्ट एक ही दो ही इंस्टीट्यूट हुआ करते थे बड़े लेवल पे, वो भी ठीक से नहीं, वो भी उनका कोई आउटपुट होता नहीं था, तो हम तब से पढ़ा रहे हैं, हमको देख कर ही बहुत से लोग पढ़े हैं, और इवन हमसे पढ़ कर बहुत सारे लोग आज इंडिया लेवल पर टीचिंग कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। और मैं सच बताऊं कि एक पावर आईसी निकाल के लगा देना, सीपीयू निकाल के लगा देना, एक बड़ी टीचिंग नहीं होती है आप, या दिखा देना तो बिल्कुल भी नहीं होती है दोस्तों। टीचर वही होता है जो सामने बिठा कर करवाए। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि हम आपको सामने आपके आईसी उतारेंगे और दिखा देंगे और बोलेंगे ऐसे होता है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हम सामने करवाते हैं। हमारे यहाँ मेन हमारा जो ओएसपी है, हमारी मेन प्रोफाइल की अभी हम बात करें, हमारा एसर टेलीकॉम का जो सब इतना पॉपुलर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर है ना खुद से करता है। आप देखिए हर स्टूडेंट के पास में हर तरह के टूल्स हैं, कभी ऐसा नहीं है कि उनको किसी प्रकार की दिक्कत गई है। हॉस्टल की बात करेंगे, रहने खाने की बात करेंगे, तो प्रॉपर उनका टिफ़िन आता है हॉस्टल में, इनकी प्रॉपर है। और हॉस्टल जो हमारा है दोस्तों, वो हॉस्टल कम हॉस्पिटल दोनों ही हैं, मतलब वहाँ हर तरह की फैसिलिटी उपलब्ध है। वहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट अदरवाइज मतलब किसी भी तरीके से अगर बीमार भी पड़ता है या थकान या किसी भी, ये तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाता है, और अगले दिन की क्लास के लिए वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक फैमिली है, एक माहौल बन जाता है यहाँ पर। और यहाँ स्टूडेंट जब जाते हैं तो उनको, पहले जब आते थे तो सोचते थे 30 दिन बिताना है, फिर जब जाते हैं तो उनको लगता है कि एक फैमिली
को छोड़ के जा रहे हैं, तो एक बड़ी बात है जो हमारे लिए जो होती है। यहाँ पर स्टूडेंट के साथ में सुबह से रात तक का हम समय देते हैं, और बहुत सारे टीचर्स हैं जो यहाँ पर लगे होते हैं उनके फीडबैक के लिए। तो आप जानते ही होंगे, और नहीं जानते तो एसर टेलीकॉम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आके देखिए, यहाँ पे खुद पता चलेगा कि एसर टेलीकॉम कैसे पढ़ाता है और कितना अच्छे लेवल पे पढ़ाता है। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आज आप, किस क्लास की आज? सर लाइट आईसी, इसको टेस्ट कर लाइट आईसी ग्राफिक्स। आज की जो क्लास थी हमारी ग्राफिक्स, जो आपका बीप आ रहा है ना, वो आपने जो ये लगाया हुआ है सिल्वर टेप, उसकी वजह से बीप आ रहा है। ठीक है, सिल्वर टेप हटा के ट्रेसिंग करना आईसी को। ये ग्राफिक्स आईसी निकाल, कितने बल्ब की ग्राफिक्स आईसी है ये? सर 15 15 बल्ब की ग्राफिक्स आईसी है। इसका इनपुट आउटपुट पता है आपको? जी सर। ये इसमें ट्रेसिंग करेंगे अभी सारी चीज़ें, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप क्या कर रहे हो? मैं नोट पर मैं ग्राफिक्स आईसी ट्रेस कर रहा हूँ। ग्राफिक्स आईसी किस में है? इसमें ग्राफिक्स आईसी नहीं। हाँ, तो ग्राफिक्स आईसी किस में होगा? मेन पावर आईसी, उसमें उसका वोल्टेज आएगा सीपीयू में, उसका डिस्प्ले का एमआईपी के लाइन, मीपी की लाइन, मीपी की लाइन आएगा। ओके, कितना वोल्टेज आना चाहिए सर? 4 वोल्टेज आना चाहिए। मतलब हमारे ग्राफिक्स में कितने आउटपुट वोल्टेज आना चाहिए? आउटपुट 1.8 वोल्ट। 1.8 और सर प्लस 5 माइनस 5 भी आता है? हाँ सर, बीएसएन बीएसपी में BSN BSP। क्या कर रहे हो? ये लाइन टेस्ट कर रहे हैं ग्राफिक्स आईसी। लाइन टेस्ट कर रहे हैं, पंद्रह वॉल्ट की लाइट आईसी है ये, ग्राफिक्स आईसी, सॉरी। यस सर, ग्राफिक्स आईसी। और ये 5A का बना रहे हो आप? यस सर। कनेक्टर तक ट्रेस कर, अभी अभी क्या कर रहे हो, अभी का प्रोसेस क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ से फाइंड कर रहे हैं और ये डायग्राम निकाल रहे हैं इसको। अच्छा, बना रहे हैं मैनुअली ट्रेस? हाँ, कर रहे हैं इसको मैनुअली ट्रेस कर। आप क्या कर रहे हो अभी? सर लाइट ट्रेसिंग, ग्राफिक ट्रेसिंग कर रहे हैं। ग्राफिक्स की ट्रेसिंग कर रहे हैं? जी सर। उसकी ग्राफिक्स कहाँ पे लगी? ग्राफिक्स ऐसी अलग से लगी हुई है कि किस में जाएगी? जी PMI में है ये। PMI में जा रही है? जी सर। केन भी इसका निकाल लीजिए आप, सर केन आप निकाल लीजिएगा। ठीक है जी, इसमें जो है 3 कुछ वोल्ट आता है सर, वही चेक कर रहे हैं। अच्छा, प्लस 5 माइनस 5 चालू को नहीं है? जी नहीं, डेड है सर। डेड है इसका। ट्रेस कर रहे हैं सर, ट्रेस जो है ये डुअल कॉइल का चेकिंग कर रहे हैं सर। डुअल कॉइल की चेकिंग? जी सर। कौन सी लाइन होती है वो? जी सर बीप लगेगा, MIPI की लाइन, MIPI की लाइन, इसकी लाइन होती है MIPI की। चेक कर रहे हो उसको? जी सर। जी सर कहाँ से आती है ये मीपी की लाइन? CPU से आती है सर। CPU से आती है। ओके, फाइव ए के ग्राफिक्स कहाँ पे लगी? ग्राफिक्स है यहाँ सर। इसका इनपुट कैपेसिटर कौन है, चेक कर रहे हैं? अभी चेक किया आपने? जी सर, यहाँ पर लिखे इनपुट कैपेसिटर। जी कहाँ पे है आप, उसमें ट्रेस करके बताइए। इनपुट का हो गया सर आपको, ये बीप आ गया, ये इनपुट कैपेसिटर है आपकी। समझ में आई आज की क्लास? जी सर। कैसी रही आपकी आज, आपकी ग्राफिक्स की मतलब डिस्प्ले की आज जो क्लास थी हमारी, अच्छी क्लास है। समझ में आया सारी चीज़ें? क्वालकॉम सीपीयू है तो वो कहाँ कहाँ पे आ सकती है वो सारा चीज़ पता चला है? या तो अलग से ग्राफिक्स ऐसी लगी होगी, नहीं तो PMI और CPU में तो MIPI की लाइन हमारी आती है। ओके चलिए, Y1 कौन सा मॉडल है ये? ये MI का 4X। 4X ग्राफिक्स ऐसी अलग से लगी है? नहीं, इसके अंदर PMIC के साथ में अटैच, PMI में आ रही है PMIC से ग्राफिक्स। क्या क्या वोल्टेज होगा कुछ बता सकते हैं आइडिया? बताइए। मेन पावर से इसको मिलता है 1.8। हाँ, और उसके बाद में इसका ये EN सिग्नल आएगा।
ये आईसी को आएगा, बट यहाँ पे जो मेन हमारा वोल्टेज चेक करना होता है +5 -5 +5 -5 1.8 से मिलेगा, क्योंकि सारा चीज आपको पता है कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे आउटपुट होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये यहीं पे मिलेगा और इसका एक आउट कनेक्टर तक कंटिन्यूटी लीजिए, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। ओके, MIPI की लाइन कहाँ से आती है? MIPI की लाइन CPU से मिलेगी, सारी CPU से आएगी। ओके, तो आप प्रेस करिए, प्रेस करके वो यहाँ पे बनाइए, ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? ग्राफिक्स है जी। कितने वॉल की ग्राफिक्स आई चाहिए? 15 का। 15 वॉल की ग्राफिक्स आई चाहिए? यस सर। मिल गया है? यस सर। आईडी की लाइन बताइए, टीडीएम की लाइन बताइए, एमआईपीआई की लाइन बताइए आपको, है ना? आपको 1.8 ना कहां कौन सा मॉडल है ये? रेडमी 7। रेडमी 7 7A। ग्राफिक्स आई सी अलग से लगी इसकी? नहीं सर, PMI से आएगी। PMI से आएगी, यही हमारी ग्राफिक्स आई सी है जी। ग्राफिक्स आई सी, चार्जिंग आई सी। चलिए ठीक है, प्रेस करिए। क्या कर रहे हो आप? ये किसका बनाया? MI5A का। अभी बनाया है कि बनाकर? अभी बना रहे हैं, पूरा बना रहे हैं। ये जो कनेक्टर से आपने जो बनाया हुआ है जी सर, सारे कैपेसिटर मिले आपको? जी सर, जी सर, ये वाली अभी लाइट दिखा। अच्छा, इनपुट का ये जो हमारा इनपुट आएगा जी, इस आईसी को इनपुट इसका कहाँ है आपने बनाया? नहीं, इनपुट ये आ रही है सर, ये भी इनपुट आ रहा है 1.8 वोल्ट सर, ये स्विचिंग होती है। और CPU का EN सिग्नल यहाँ पर 400 C1 और B2 में, C2 और B2 में आ रही है, 400 भी आ रहा है यहाँ से ट्रेस कर रहे हैं। ओके, हेलो, एक पकड़िए, गिर रहा है। आप क्या कर रहे हो? सर बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? MI नोट 4 का सर। नोट 4 का बना रहे हैं, तो नोट 4 का कनेक्टर है, तो ये आप उसको चेक कर रहे हो, ट्रेस कर रहे हो? ट्रेस कर रहे हो। ट्रेस करके बनाइए, देखिए कैसे करना है आपको, हर एक कंपोनेंट को। ये हमारा डुअल कॉइल है, ये डुअल कॉइल है सारे, ये जो हमारी जो लाइनें हैं सारी लाइनें को ट्रेस करना है, किस बीच में क्या कंपोनेंट लगा है, ओपन है कि नहीं है, ओके है, ये सारा चीज़ ट्रेस करना है। ओके, क्या कर रहे हो? डिस्प्ले इसी की चेक कर रहे हैं, 4X मॉडल है। 4X मॉडल है, तो इसका कहाँ पे है? ग्राफिक्स किस में होगा, किस आईसी में होगा ग्राफिक्स? PMI में ग्राफिक्स होगा। क्लियर है यहाँ पे? +5 -5 कहाँ से बनेगा? PMI से बनेगा। ओके, कौन सा मॉडल है? MI5A। इसका इनपुट कैपेसिटर बताइए। इनपुट कैपेसिटर सर, हाँ, प्रेस कर रहे हैं सर अभी? अभी प्रेस कर रहे हो जी सर। ओके, वोल्टेज तो पता है ना आपको? यस सर। कितने वोल्टेज आते हैं कुछ बताएंगे? VPS से आते हैं सर 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, ये सारा चीज़ आपको पता हुआ है? जी 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 सर, पूरा लिख के रखे हैं सर। ठीक है, इनपुट आउटपुट सारे कैपेसिटर को आप हमें बताइए जी, ट्रेसिंग हो जाए सर, फिर बताते हैं सर। मासूम जी, आप कमेंट करिए, आपको हम नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, आप विज़िट करिए हमारे इंस्टीट्यूट में, फ़ोन कॉल करिए, आपको वहाँ पे सारी डिटेल इंक्वायरी मिल जाएगी। तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर ग्राफिक्स आईसी पूछ रहे हैं सर। ग्राफिक्स आईसी जी। अरे वाला नंबर बोलिए, ये अपना नंबर बोलिए। 7000 क्या हुआ? कौन महाराष्ट्र का कोई होगा लाइव में? 7000 बोलिए। 7000
11190। तो आप इसमें मैंने नंबर दे दिया, आप कॉल करके सारी डिटेल आप ले सकते हो। ओके, फोर में सर, नोट फोर में कर रहे हो, मिल रही है आपको? जी सर। आप क्या कर रहे हो? फिशिंग कर रहा हूँ। कौन से मॉडल? ग्राफिक्स साइज है 5A। फाइव ए। ओके, कितनी बॉल की है? आठ। ये क्या, 16 बॉल की? 16 बॉल की है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आज की जो क्लास थी वो समझ में आ रही है आपको? हाँ, समझ में। ग्राफिक्स अगर हमारा नहीं आएगा तो मेन हमें क्या क्या वोल्टेज चेक करने होंगे, कितने वोल्टेज चेक करने होंगे? पहले वीबैट वोल्टेज चेक करना होगा। पहले हमें चेक करना होगा वीबैट, फिर उसके बाद हमें प्लस 5, माइनस 5 और 1.8। मीपी की लाइन कहाँ से आती है? एमआईपीआई की लाइन सीपीयू से आती है सारी। ये क्लियर है, समझ में तो आ रही क्लास आपको? ये ट्रेसिंग कर रहे हो तो वो समझ में आ रहा है? आ रहा है। ये कनेक्टर तक आपको ट्रेस भी करना है कि इसके बीच में क्या कंपोनेंट लगा हुआ है। हाँ। सारा भी ट्रेस करना है आपको, ठीक है? और उसमें आपको ड्रॉ करना है। क्या कर रहे हो जी सर? इसका जो डिस्प्ले आईसी उसको निकाल के उसके सारे जी क्या ग्राफिक्स आईसी अलग से लगी? इसमें अगर अलग से नहीं लगी होती तो किस में होता? PMI। ये आज पहले दिन की क्लास है, बाकी अब सारा चीज़ डिटेल आपको लिखवाया गया, पता है आपको? सारी डिटेल बताइए आज के जो है। हाँ, डिस्प्ले से ग्राफिक्स के बारे में कोई भी जो भी फॉल्ट है उसके बारे में पूरा मतलब फॉल्ट और सॉल्यूशन दोनों बताया गया, सब बताया गया, लाइव बताया गया जी सर। ओके, अभी आप ट्रेस कर पा रहे हो? जी सर। चलिए ठीक है, करिए। ये आप किसका कर रहे हो? ये नोट 6 प्रो का। चालू फ़ोन है ये, बंद फ़ोन है? चालू है। हाँ, चालू। तो इसके वोल्टेजेस भी चेक करिएगा, ठीक है? हाँ। प्लस 5, माइनस 5, 1.8, ये सारे वोल्टेज को आप चेक करिएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड, इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पे बना रहे। ये जो आपने बनाया हुआ है इसमें वो भी शो करिए, जैसे आपने आर शो किया है तो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये सारी चीज़ शो करिए, ठीक है? ये डिस्प्ले कनेक्टर हो गया, आप देख सकते हो ये हमारी आ रही है। अच्छा, ये PM660L से आ रही है, ये आपको पता है? अगर मेन PM से आ रही है, अगर यहाँ पे L लगा हुआ है तो L से आएगी, अगर I होती तो PMI से आती, और अगर की मेन पावर से आएगी प्लस 5 माइनस 5, ये L से आ रही है। ओके, चलिए, बहुत मेन पावर से 1.8 वी आ रही है जी, 1.8, वेरी गुड। तो ये सारा चीज़ आप ट्रेस करके बना रहे हो ना? हाँ। एक एक चीज़ कंपोनेंट को चेक कर रहे हो ना? ऐसा नहीं केवल बोर्नियो से देख करके नहीं बनाना नहीं, है ये एक एक बोर्ड को आपको चेक करना है कि वो कंपोनेंट मिल रहे हैं कि। ओके, आप क्या कर रहे हो? ग्राफिक आईसी निकाल दिया उसके ट्रैक चेक करके पूरी सप्लाई बना के, पूरी सप्लाई इसका इनपुट आउटपुट सारा चीज़ चेक करना है आपको, ठीक है? तो गाइस, ये हमारी थी यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ग्राफिक सेक्शन की क्लास हुई थी, और ग्राफिक्स में सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिकल करते हुए जो भी उनको पढ़ाया गया आज तो सारा ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट टाइम डबल डेकर सीपीयू की अभी आपकी जल्दी है। आज आपने क्या किया आज के दिन? आज डबल डेकर सीपीयू कैसे डिबल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर, डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया? सीपीयू डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर, डुअल डेकर। डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर, डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस स्टेंस से किया आपने? यूनिवर्सल। प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर, बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर, खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर, यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी सर, आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर, सभी बच्चों ने सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर, ड्यूल सीपीयू। ड्यूल सीपीयू किस, कौन सी तारीख को आए थे? सर, हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर, हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में इंडिया का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Doctor. Thank you.